ओके okay, अभी तक आपने देखा एक उदासी मिडल एज्ड मोटी पुराने गानों पर इतरा इतरा के डोल रही है हाँ यही वाली अगर आपको नहीं पता कि मैं किस वीडियो का जिक्र कर रही हूँ तो सबसे पहले आलसी बनना छोड़िए और जाके लास्ट वीडियो देखिए और फिर आ जाइए वापस यहाँ और हाँ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुद से सवाल कीजिए कि क्यों नहीं किया सब्सक्राइब इट्स फ्री सब्सक्राइब कीजिए फिर आई प्रोमिस सब ठीक हो जाएगा ठीक है हुँ? तो चलिए अब आगे मैं इतनी गोरी चिट्टी नहीं हूँ जितना दिख रही हूँ मुझे खुद ही देख के हैरानी हो रही है कि मैं इतनी गोरी कब हो गई दरअसल धूप है हाय मैं हूँ आशी बसरा और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अदली हाइट्स लाइफ इन इंग्लैंड सिंस 1995 जी हाँ कहिए कैसे हैं आप ये मैं सिर्फ प्रिटेंड करके दिखा रही हूं आपको कि कहीं आपको ऐसा ना लगे मैं काम नहीं कर रही हाय कैसे आप मैं ये वीडियो स्टार्ट करने वाली थी सोचा कि चलो काम करते करते तो कर वीडियो भी बना लूं क्योंकि आपको क्या पता मैं क्या करती रहती हूं और जब मेरा वक्त निकल जाता है ना जब काम कर रही होती है ना मैं ऑफिस का तो मेरे दिमाग में ऐसे आता रहता है कि अगर मुझे वीडियो बना लेनी चाहिए थी व्लॉग बना लेना चाहिए था ताकि जो एवरीडे आम रैंडम डे टू डे मंडे इन चीज़ें होती हैं लेकिन फिर वक्त निकल जाता है तो फिर मुझे वीडियो नहीं बनती है और फिर इतने दिन का गैप हो जाता है मेरे कोई सब्सक्राइबर नहीं होते मैं की वही रह जाती हूँ एनीवे anyway, वे कैसे हैं आप सब मैं इतनी गोरी चिट्टी नहीं हूँ जितनी दिख रही हूँ मैं अभी से आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ मैं इतनी गोरी चिट्टी नहीं हूँ जितनी नज़र आ रही हूँ मुझे खुद हैरानी हो रही है देख के वीडियो में कि मैं इतनी गोरी क्यों नज़र आ रही हूँ दरअसल समर है इंग्लैंड में इंग्लैंड में बहुत गर्मी हो रखी है इस वक्त और धूप अभी तो मैंने खिड़की का पर्दा भी नहीं हटाया है एक मिनट दिख रहा है कुछ भी नहीं दिख रहा ना तो इतनी धूप है देखिए ये मेरा गार्डन है इसकी धूप है इतनी और ये मेरा वर्क स्टेशन है जहाँ मैं बैठी हूँ तो मेरा वर्क स्टेशन है ही मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ ऑफिस का काम कर रही हूँ हूँ तो मेडिकल सेक्रेटरी लेकिन कोविड नाइनटीन की वजह से ऑब्वियसली वी आर वर्किंग फ्रॉम होम थैंकफुली आई गेट टू वर्क फ्रॉम होम अदरवाइज़ मैं अपने दो बच्चों का क्या करती सिंगल पेरेंट के लिए जिनका कोई भी नहीं है इस दुनिया में बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे वक्त में um, कैसे मैनेज किया जाए तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ नेशनल हेल्थ सर्विस की जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं घर से काम कर सकूँ क्योंकि सेक्रेड जो जॉब होती है वो हैंज ऑन होती है उसको आपको अपने कंसल्टेंट के साथ रहना पड़ता है डे टू डे एवरी डे का काम का का करना पड़ता है पर जितना भी हो सकता है अब घर से काम चल रहा है फ़ोन्स भी और ऑफिस का वर्क भी सच में काम कर रही हूँ दिखा देती हूँ आपको कहीं आप सोचे कि मैं ऐसी बकवास कर रही हूँ मैं काम नहीं काम नहीं करती तो मोरगे कैसे जाएगा घर का राशन पानी कहाँ से आएगा आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा ये सब सारे मुहावरे याद आ गए जो हमारे माँ बाप कहा करते थे जब हम मटर कश्ती करते थे देखिए मैं आपको बता रही हूँ देखो सीरियसली मैं काम नहीं दिखा सकती आपको क्योंकि फुली कॉन्फिडेंशियल है लेकिन हाँ देखिए मेरा ये वर्क स्टेशन है ये मेरा कंप्यूटर है कीबोर्ड है ये मेरा माउस है माउस देखो कितना मॉडर्न माउस है इसका कोई पूँछ नहीं है मेरे हेडफोन्स हैं मेरा जो भी बाकी ऑफिस ई ईमेल्स वगैरह आती है वो इससे डील करती हूँ तो ये मेरा एक्चुअली में मेरा ये डाइनिंग टेबल है मैं जिसका मैं एक हिस्सा क्योंकि ऑब्वियसली घर पे हम सिर्फ तीन हैं मैं और मेरे दो छोटे छोटे बच्चे तो तीन चेयर्स यूज़ करते हैं बेसिकली तो जो एक चौथी चेयर है मैं अब उसका वो सेक्शन अपने वर्क टॉप की तरह यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वैसे तो मेरा कंप्यूटर मेरे, मेरे अपस्टेज रूम में था लेकिन अगर ऑफिस का काम करना है सारा दिन और बच्चे भी घर पर हैं तो मुझे सिर्फ़ एक काम नहीं होता फिर किचन का काम भी साथ में करना पड़ता है तो अभी मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ तो कम से कम मुझे पता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं मुझे पता है घर के बाहर क्या हो रहा है गार्डन में क्या हो रहा है यहाँ किचन में क्या हो रहा है तो जब भी कुछ यही होता है तो मैं उठकर किचन का काम कर ले आती हूँ अभी आपने सुनने ना वो टू 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 वो माइक्रोवेव में कुछ गर्म हुआ है अभी <laughs> अपने घर के कपड़ों में घर की टिचर में आराम से बैठ के काम कर रही हूँ ऑफिस का आराम से तो खैर क्या वंस यू आर अ मदर वंस यू आर अ पेरेंट आराम तो खिड़की से बाहर चला जाता है बट इस रिवॉर्डिंग इट्स ओके हमें अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी चाहिए और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ तो इस मामले में ज़िंदगी बहुत मुश्किल है बहुत स्ट्रगल है मेरी लाइफ में लेकिन कम से कम हम इस लायक है कि स्ट्रगल कर पा रहे हैं और कहते हैं ना कि जो नेचर है जो कुदरत है जो सर्वशक्तिमान है जो भी है जो सुप्रीम पावर है वो टफेस्ट बैटल्स में अपने स्ट्रोंगेस्ट सोल्जर्स को ही भेजती है तो ख़ुद के कहता ना दिल के खुश रखने को आली भी ख्याल अच्छा है तो अपने आप को मैं क्या क्या हो हूँ कोई बात नहीं आशी ज़िंदगी में मुसीबतें उसके ही आते हैं जो कि इंसान स्ट्रांग हो मैं स्ट्रांग स्ट्रांग नहीं हूँ लेकिन कहते ना कि मजबूरी होती है तो जब ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डर बहुत लोग होते मुहावरा ही समझ में नहीं आएगा क्योंकि जिस ज़माने से मैं हूँ उस ज़माने में यह मुहावरा यूज़ हुआ करते थे कुछ पढ़ लिया करो कुछ देख लिया करो पुरानी चीज़ें भी बहरहाल तो ये मेरा वर्किंग वर्क स्टेशन है ऑफ़िस का जो कि मेरे डाइनिंग टेबल के एक हिस्से में मैं चला रही हूँ बाकी किचन भी दिखता रहता है इसमें जो कि ऑब्वियसली वो भी मेरा जॉब है ट्वेंटी फोर सेवन तो आ, मैं क्यों बना रही हूँ सोचा चलो दिखा देती हूँ आपको कि मैं काम भी करती हूँ क्योंकि आपको कभी लगता है कि मैं काम नहीं करती नाचती रहती हूँ गाती रहती हूँ वो मेरा जिंदगी को खुश रखने का एक तरीका है लेकिन ज़्यादा वक्त तो मेरा यहीं चलता है और तारीख कौन सी है तारीख कौन सी है ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी फोर्थ है शायद और इस वीक मेरा जन्मदिन आने वाला है Yes, मेरा बर्थडे मैं चुप क्यों हो गई <laughs> देखिए क्योंकि ना अब जन्मदिन का क्या है जब जब तक आपके सर पे माँ बाप होते हैं ना तब तक जन्मदिन होता है जब तक आपके पेरेंट्स आपके सर पे सारी की तरह होते हैं तो वो आपका जन्मदिन मनता है क्योंकि आप आपके बड़े होते हैं कोई लेकिन जब अपनी ज़िंदगी में सिर्फ आप खुद ही बड़े रह जाओ क्योंकि अब मैं ही बड़ी हूँ अपने अपने मेरे दो बच्चे और मैं उनकी माँ हूँ तो मुझसे बड़ा आशीर्वाद देने वाला अब कोई नहीं रहा बदकिस्मती से पेरेंट्स नहीं रहे तो दिल से वो खुशी चली जाती है फिर जन्मदिन मनाने का कोई मकसद नहीं रहता और दूसरी बात वैसे भी चालीस के बाद जन्मदिन मनाना बैन हो जाना चाहिए ऑब्वियसली मैं चालीस से ऊपर बहुत चालीस के तो रॉन्ग साइड में हूँ मैं अब चालीस के गलत साइड में हूँ मैं तो बर्थडे मनाने का तुक नहीं बनता तो ये तो वही बात हुई ना कि आ, <laughs> ज़िंदगी की जो कदम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं आई नो कितनी नेगेटिव बात है पर सच है ओके okay? सच से सामना कीजिए चालीस साल के बाद आपकी जिंदगी आप बर्थडे मना रहे हो आप एक्चुअली में ये सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके दोस्त आके जो पार्टी भी लेते हैं आके आपको तंग भी करते हैं और ये भी आपको याद दिलाते हैं कि हाँ हाँ आप चालीस से बहुत परे जा चुके हो अब तो आप गलत रस्ते पहुँच चुके हो वो रास्ता सिर्फ मौत की तरफ जाता है तो <laughs> <laughs> मुझे नहीं लगता कि कोई खुशी बनाने वाली बात है अगर मेरी जिंदगी में कोई बहुत हैंडसम बहुत इंटेलिजेंट बहुत ही प्यारा सा अभय देव जैसा या रणदीप हुड्डा जैसा कोई पार्टनर होता तब तो मैं समझती कि वो जहाँ भी मुझे पार्टी देगा वो मेरे बर्थडे की थ्रो करेगा मेरी ज़िंदगी में सेलिब्रेट करने जैसा कुछ है वैसे है मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरे बच्चे हैं सेलब्रेट करने के लिए मेरी आ, एक ज़िंदगी है उसको सेलिब्रेट किया जाता है लेकिन क्या सेलिब्रेट करना जो कि ज़िंदगी जो डाउन जा रही है डाउन तो नहीं जा रही मतलब कि अब बुढ़ापा ही आ रहा है आगे आ रहा है मतलब कि आ चुका है मेरे इतने सारे व्हाइट बाल हो चुके हैं आपको नहीं दिख रहे तो उसमें मेरी गलती नहीं मैं दिखाना भी नहीं Yeah, anyway. <laughs> तो मैं आपको यह कह रही थी कि बर्थडे मेरा बर्थडे आ रहा है इस इस हफ्ते आ रहा है ना आई थिंक नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में आ रहा है तो आ रहा है जा रहा है कुछ पता भी नहीं मैं तो उठूंगी मेरे बच्चों को तो याद पता भी नहीं होगा मैं खुद ही बताऊंगी ना दो तीन पहले मेरा बर्थडे है और अगर नहीं भी बताऊंगी तो उनको पता नहीं चलेगा क्योंकि मेरा बड़ा बेटा दस साल का है छोटा आठ का तो ऑब्वियसली उनको इतना समझ नहीं है सो so, पहले मैं अपना बर्थडे इतनी एक्साइटमेंट से मनाती थी जब तक पेरेंट्स होते हैं जब माँ बाप के घर पे थे तब तो बहुत एक्साइटमेंट मतलब तीन महीने पहले से मैं इंतज़ार शुरू हो जाता था मेरे जन्मदिन का ड्रेस मेरी जो कपड़े पहनने होते तो वो दर्जी के पास जा जाकर सिलवाने के लिए पीछे पड़ जाते थे एक सलवार कमीज़ है या ड्रेस है या जो भी कुछ है तो उस वक्त अलग मज़ा था जन्मदिन का और तो जो मेरे दोस्त हैं वो आते हैं वो पहले से कहना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारा बर्थडे है तो लेट्स सेलिब्रेट तुम्हारे घर आएंगे तो एक तो तुम इस बात से उदास हो कि आप बुढे हो रहे हो या आपकी उम्र बीती जा रही है और लाइफ में कुछ खास नहीं किया <laughs> अपनी बात कर रही हूँ मैंने कुछ खास नहीं किया तो एक तो आपका वो एक दिन होता है ना सेल्फ़ एनालाइजेशन का सेल्फ़ रियलाइजेशन का एनालाइजेशन कोई वर्ड भी है क्या सेल्फ़ रियलाइजेशन का आप बहुत एनालाइज़ करते हो क्या 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 नहीं तो उन ऊपर से आपको अपने दोस्तों को एंटरटेन करना पड़ता है यार ये तो वही है जो जले पर नमक छिड़कने वाली बात है लेकिन फिर भी मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं लेकिन इस बार शुक्र है कि मुझे उनको पार्टी नहीं देनी पड़ेगी हेल्ड कोविड नाइन्टीन पैंडमिक नहीं हेल्ड नहीं भाई मैं इसकी कोई खुशामद नहीं करी मैं वैसे बोल रही हूँ इसकी वजह से इसके कई फायदे भी हुए हैं तो मुझे दोस्तों को एंटरटेन नहीं करना पड़ेगा और या मैं अपना बर्थडे इग्नोर करके मना लूंगी कि आया और चला गया मुझे नहीं पता आ, आपके जहन में होता कि आप कितना ओल्ड महसूस कर रहे हैं वैसे आई डोंट नो आपने कभी सोचा है कि आपके जहन की क्या उम्र है मुझे नहीं पता मेरी क्या उम्र है ऑफिस anyway, के काम से ब्रेक लेके लंच बनाऊंगी लंच में क्या बनाऊंगी सीधा दाल चावल क्योंकि बहुत गर्मी है इतनी गर्मी में सिंपल खाना दाल चावल और आलू की सब्ज़ी ड्राई जो आलू फ्राई इंडिया में जो दिल्ली में रहते होंगे या दिल्ली में दिल्ली में क्या जो हिंदुस्तान में नॉर्थ इंडिया में पले बड़े हैं उनको पता होगा कि दाल चावल और आलू की सब्ज़ी का कॉम्बिनेशन बहुत मज़ेदार होता है राइट हाँ मेरा बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट मंथ अगर विश करना होगा तो विश कर दीजिएगा इसमें कमेंट डाल के नीचे मेरा कम से कम मुझे होगा ना मेरे दुख में लोग आ एक लोग साझीदार है मेरे इतना इतना गोरी क्यों लग रही मैं एनी वे आई डोंट लाइक दैट बट चलो कोई बात नहीं धूप इतनी ज़्यादा कोई क्या करे तो इतनी गर्मी है ना मैं आपको बताती एक और रीजन मेरा इतना गोरा चमकता चेहरा क्यों दिख रहा है है नहीं ट्रस्ट में नहीं है मैं सांवली सलोनी हूँ हाँ अब आपको साफ दिख रहा होगा ना ये देखिए खिड़की भी खोल रखी है नीचे वाले ये लिविंग रूम की और मेन दरवाज़ा भी खोला हुआ है जो कि इंग्लैंड में ऐसे नहीं खोल के रखते हैं मतलब कोई रूल तो नहीं है लेकिन इसलिए नहीं मतलब आ रो नो इंडिया में जैसे होता है ना दरवाजा खोल के रखो तो आज ऐसा ही फील हो रहा था वो कितनी प्यारी धूप है कितनी सुंदर धूप है तो इस वजह से ये यहाँ पर कैरम बोर्ड रखा हुआ है मैंने जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो जानते होंगे कि कैरम बोर्ड हम खेला करते थे तो मैंने यहाँ पर भी खरीदा बच्चों को बच्चों के साथ हाँ कभी कभी कैरम बोर्ड खेलती हूँ मैं चाहती हूँ उन्हें भी पता हो कि मेरे बच्चों को वीडियो गेम्स वगैरह का नहीं पता मैं उन्हें नहीं देती हूँ बिकॉज मेरा मेरी फिलॉसफी से विपरीत है ये मैं चाहती हूँ जब वो बड़े जाएंगे तो तो उन्होंने जो भी करना है आई डोंट नो लेकिन फिलहाल मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड गेम खेलें या जो चीज़ें मैं खेलती थी उससे उससे खेलें तो ओके okay, चावल तो बना दिए मैंने अब मैं बना रही हूँ थो, थोड़े से पटेटोज़ की सब्ज़ी अब मैं एक हाथ से काम कर रही हूँ तो इतना कोई फैंटास्टिक काम तो नहीं होगा ये हो ना उड़ने वाले हैं और मेरे को जला ना दें ये जो नहीं काले वाले ये काली भगवान उड़ रहे हैं उड़ रहे उड़ रहे उड़ रहे हैं डोंट लाइक इट मैं इतनी ना कोई अच्छी कुक नहीं हूँ ठीक ठीक हूँ मतलब पर इतनी सोफिस्टिकेटेड कुक नहीं हूँ अच्छा अब जीरा भी थोड़ा सा डाल देती हूँ ऐसे एक हाथ से आप ना मुझे फॉलो मत करेगा ये तो मैं अपना ही काम दिखा रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ ठीक है कोई फॉलो फॉलो मत करिएगा कुछ ओके तो उड़ रहा है स्टूपिट सा उंगलियाँ जल गई मेरी यार और हैरानी भाई मैंने अब ये आलू की सब्जी सिर्फ ड्राई ड्राई ऐसी बना रही हूँ दाल के साथ दाल और चावल के साथ तो यार एक खास है ना हारो नौ लोग कैसे करते हैं तो या तो मैं अभी रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ या फिर मैं कुकिंग कर सकती हूँ दोनों काम मुझसे नहीं होते हैं हाथ ना ऐसे मुझे चोट लग जाती है हाथ जल जाते हैं एम रेली वेरी क्लमजी और अच्छा ये कैसे बना ये देखिए ये आलू की सब्ज़ी बन रही है मैंने ये मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ मैं सिर्फ दिखा रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ अच्छा इसमें मैंने अब थोड़ा सा नमक डालना है अरे बाबा हल्दी ख़त्म हो गई है यार घर पे हल्दी नहीं है तो क्या किया जाए कुछ नहीं किया जा सकता आज डिलीवरी होगी होपफुली अच्छा थोड़ा सा नमक डाल थोड़ा सा क्या बहुत सारा नमक डाल दिया मैंने बस नमक डाल दो थोड़ा सा और नमक डाल दो बस अभी फ़िलहाल देखो मेरी नमक डाले इसमें हल्दी खत्म हो गई है उदास हो रखे बेचारे ये सारे हैं घर के लोग हल्दी नहीं है तो अब इसको थोड़ा ढकना चाहिए अब ढकना चाहिए तो चलो इसको ढक दिया है चावल उसमें प्रेशर कुकर में बन गए हैं दाल वहाँ बनी हुई है तो ये अपना धीरे धीरे पक जाएगा जो भी है मैं कह रही थी कि मुझे क्या याद आ रहा था आँ... हमारे आजकल के ज़माने में बच्चे कितने नखरे करते हैं ना ये खाना है वो खाना है हमारे मेरे ज़माने में तो माँ बाप घर पे मेरी मा, मामा जो खाने को बना देती थी वही खाना होता था खाना है तब भी वही खाना है नहीं खाना तब भी वही खाना है तो कोई नखरे का ऑप्शन नहीं होता था ए, थोड़ा बहुत ऑप्शन होता था ये कि आप अपनी माँ को प्यार से कह सकते थे, थे कि मम्मा वो दे दो खाने को वो बना दो तो यू you नो know, तुम्हारी कभी कभी वो इच्छा पूरी हो जाए माएँ ही होती हैं जो अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करती हैं या लाड करती हैं या उनको सिखाती हैं एनी anyway, तो मैं आई हैव टू गेट बैक टू माई वर्क एनी तो आई होप ओके आई होप आप जिस तरह भी हो सके इस टाइम को अच्छी तरह से गुजार रहे हो तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ मिलूँगी मैं आपको अगले वीडियो के साथ जब भी बनाऊँगी तब तक रखिए अपना ख्याल और एक दूजे का भी ठीक है जिए और जीने दें